आज हम लोग बात करेंगे अशरफ भट्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम। क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाच के गिर जाओगे। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। अरे इसकी शक्ल तो महेश भट्ट जैसी दिख रही है, ऐसा क्यों? सॉरी, कन्फ्यूजन हो गया है ना, आपको भी हुई होगी कन्फ्यूजन। लेकिन मुझे सुब्रमण्यम स्वामी साहब का ट्वीट दिखा, वैसे मुझे महेश भट्ट उर्फ अशरफ भट्ट जो कश्मीर में ज़्यादा टाइटल यूज़ होती है, मुझे इनके ऊपर डाउट पहले से था। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आप समझ जाएंगे, इनके कॉन्ट्रोवर्शियल बयान ही ऐसे हैं, इनकी उपस्थिति ऐसी ऐसी जगहों पर होती है कि आपको डाउट हो ही जाएगा कि एक हिंदू हो के ऐसी चीज़ें करना कि अपनी सभ्यता अपने देश के खिलाफ कोई नहीं करता, और अगर वो करता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई और चेहरा शामिल है। आपको पता होगा कि कांग्रेस द्वारा लॉन्च की गई थी बुक हिंदू टेरर, उसमें लाइन से जो सारे लोग थे, दिग्विजय सिंह वगैरह वगैरह, एक जगह ये भी खड़े थे चुपचाप, बहुत गर्व से, बहुत प्राउड की बात है कि हम अपने ही सभ्यता को एक आतंकवादी सभ्यता साबित। फिर अब इनकी एक वीडियो मेरे हाथ लगी, काफ़ी वायरल वीडियो है ये, ऑलरेडी आपको नेट पे मिल जाएगी। 5 मिनट की वीडियो, मैं पूरी दिखाना नहीं चाहता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लिप्स के हिसाब से मैं काट काट के दिखाता रहूँगा। मुसलमानों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं है अशरफ भट्ट साहब, सर्टिफिकेट की जरूरत है आपको। कागज खोजना शुरू करिए, समय पर दिखा दीजिएगा, और अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान बन जाए, ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो। तो आपका रास्ता ऐसे निकलेगा और जाके ISIS में आपकी भर्ती हो जाएगी, क्योंकि आपको जिहाद करना पड़ेगा ना, आपको पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री बनी है जिहाद करने के लिए। समझ रहे हैं आप, सच्चा मुसलमान जितने भी भारत के हैं वो नहीं बने तो अच्छी बात है, मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके इस्लाम की कुरान की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर क्वेश्चन करने से पहले एक बार उन पन्नों को पढ़ लीजिए जहाँ काफिरों के कत्ल का जिक्र है, जहाँ पर मुशरिकों के कत्ल का जिक्र है, जहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ने का जिक्र है, जहाँ पे औरतों की बेइज्जती का जिक्र है, कि सॉरी औरत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे, औरत एक ऐसा इस्लामिक वर्ड है जिसका मतलब कुछ और निकलता है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप नीरज अत्रे जी की वीडियो देख लीजिए, उसमें औरत शब्द का क्या मतलब है, आप सुन के शौक हो जाएंगे। भट्ट साहब आगे चल के वीडियो में ये कहते हैं, आप अंधों के मुल्क में, अंधों की दुनिया में आईना बेचने निकले हैं। यह मुल्क आपका है, इसमें आपके पुरखों का खून है, जो आपको कहता है, आपको नीचा दिखाता है, उसको बाहर निकल यहां से। तो भट्ट साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ना कि फिर आप NRC CA वगैरह वगैरह सबका विरोध करने का क्या मतलब? आपको लगता है कि आप गलत देश में हैं, आपको लगता है कि मुसलमान गलत देश में है, तो मुसलमान के लिए सही देश बन चुका है और 50 और हैं पहले से, तो उसको जो सही देश लगे वहां जाके अपनी चीजें बेचे ना। मैं बस प्यार से तो कह रहा हूं, इंडिया ने, भारत ने ठेका नहीं लिया ना कि कोई भी कम्युनिटी आएगी उसको लगेगा कि उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो एक इसी देश का टुकड़ा लेके चली जाएगी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, अब नहीं पॉसिबल है। समझ रहे हैं, हम अब ऐसी मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें जो खोया है वो वापस लें, और आप बुद्धि दे रहे हैं कि जो हमसे एग्री नहीं करता वो चला जाए, कहाँ जाएगा, हिंद महासागर में कहाँ जाएगा। खैर, हमने इनकी बिटिया की पिक्चर को, आलिया को, जो कि कहीं से भी एक हिंदू नाम नहीं है और उसके मुसलमान होने पर दिक्कत भी नहीं, लेकिन बहुत प्यार दिया जनता ने, मैं चाहता हूँ कि महेश भट्ट उर्फ अशरफ भट्ट को भविष्य में इनकी पिक्चरों को उतना ही प्यार मिले जितना ये डिज़र्व करते हैं, और इनको अच्छे से एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इनका असली चेहरा एक्सपोज हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है, इनके मुँह पर एक करारा थप्पड़ तब पड़ेगा जब इनको पता चल जाएगा कि इनकी सच्चाई दुनिया जानती है, ये एक हिंदू चेहरे के पीछे हिंदुस्तान को, हिंदू सभ्यता को जलील नहीं कर सकते। ठीक, आप इतना समझने की कोशिश करिए, ये जो 5 मिनट की वीडियो आसानी से आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और आप इससे पूरा समझ जाएंगे
कि ये आदमी की असली मानसिकता क्या है, ये करना क्या चाहता है। और यहीं तक नहीं रुके, ये इन्होंने जिहाद को भी प्रमोट किया इस वीडियो में, आप सुन लीजिए। हदीस आपकी है, रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जिहाद क्या है, जालिम बादशाह को अपना जैसा ही चेहरा दिखाना। वो दौर आ गया है, रसूल अल्लाह ने फरमाया था इस्लाम आपके हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाएगा, जिसमें दम है वो बने मुसलमान। और यहां भी जिहाद की अलग मीनिंग बताई है, ये जब कुरान का किसी आयत या किसी हदीस का एक पैरा कोट करते तो उसके आगे और पीछे का कोट क्यों नहीं करते, कहीं बोला है कि ये करो तो तुरंत आगे कॉन्ट्राडिक्ट करके बोला है कि इस रिस्पेक्ट में ये करो, तो उसको तो ये बताएंगे नहीं, क्यों बताएंगे, एक्सपोज थोड़ी करना, यहाँ तो एजेंडा चलाना था। खैर, हम जैसे लोगों का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि ऐसे लोगों के असली चेहरों को जनता के सामने रखे अपने ओपिनियन के साथ, तो मैं कर रहा हूँ। आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल लगे, रैशनल लगे, आप सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो। ये वो लोग हैं जो 4 बीवी 40 बच्चे, सब्सिडी स्कीम्स, बेनिफिट्स, विक्टिम कार्ड सब लेके घूमते हैं और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे पल, तो विचार करने की जरूरत है कि क्या हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत, क्या हमें ऐसे लोगों को फंड करने की ज़रूरत है, इनकी पिक्चरें देख देख के, इनके शोज़ में जा जा के, इनके ट्वीट्स को रीट्वीट करके, इनको फॉलो करके। आप समझिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। और यही ये वो दीमक हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ कुतर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। बाबू यार छोड़ना मत इसको, पहले तो उसको पकड़ तो सही रे बाबा। अल्लाह हाफिज़। खैर, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।